हर वर्ष जनवरी के पहले सप्ताह में महाराष्ट्र पुलिस दल राइजिंग डे मनाते हैं। राइजिंग डे के उपलक्ष में जो विविध उपक्रम प्रत्येक पुलिस स्टेशन को विविध कार्यालय से चलाए जाते हैं, उसकी संकल्पना ऐसी है कि पुलिस दल की ओर से जो दैनंदिन कामकाज चलते हैं, इस समय सर्वसामान्य नागरिकों के मन में जो उत्साह होता है, इस बारे में उनको इन कामकाजों की जानकारी देना। आज के युवा, शालेय विद्यार्थी, महाविद्यालय के विद्यार्थी, इन्हें इस संबंध अवगत कराना यह है। इस माध्यम से सामाजिक सलोखा निर्माण होने के लिए समाज के घटकों से समन्वय साधना इसका उद्देश्य है। पुलिस राइजिंग डे पर इसकी पार्श्वभूमि को स्पष्ट करते हुए पुलिस निरीक्षक एसपी ताजनी ने इस माध्यम से शालेय विद्यार्थी, महाविद्यालय के विद्यार्थी और युवा पीढ़ी को वाहन चलाते समय सतर्कता और सुरक्षितता रखे, साथ ही यातायात नियमों का पालन करे, ऐसा आह्वान करते सभी जनता को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। जिला पुलिस अधीक्षक संदीप दीवान ने पुलिस राइजिंग डे के बारे में चलाए जाने वाले उपक्रम संबंध जानकारी दी। आज से हम पुलिस विभाग, आज का दिन जो है हमारा पुलिस स्थापना दिन या पुलिस राइजिंग डे हम मनाते हैं। आज से 6 तारीख तक हम अलग अलग प्रोग्राम लेके लोगों में जा रहे हैं, जैसे कि पब्लिक प्लेसेस पे पुलिस बैंड का डिस्प्ले है, स्कूल के बच्चों को पुलिस थाने में बुला के पुलिस स्टेशन की कामकाज की जानकारी देना है, उनको पुलिस के पास जो वेपन्स है, एम्यूनिशन है, उसके बारे में भी हम जानकारी दे रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत सारे मीटिंग्स और उनको सीनियर सिटीजन्स का भी थाने में बुला के उनको भी कामकाज की पूरी जानकारी दी जा रही है। सीनियर सिटीजन्स की मीटिंग्स ले रहे हैं हम लोग, ताकि उनमें भी वो भी आश्वस्त रहे और उनको भी एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए पुलिस के बारे में, अपने नंबर्स उनके साथ शेयर कर रहे हैं। महिलाओं के अत्याचार के बारे में अवेयरनेस कैंपेन वो भी चल रहा है। तो ओवरऑल हमारे सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं, लेकिन 2 तारीख से 6 तारीख तक ये जो पुलिस रेजिंग डे और उसका जो एक सॉर्ट ऑफ वीक हम मना रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे प्रोग्राम आज से हमने शुरू किए हैं और वो काफ़ी मतलब हर पुलिस स्टेशन लेवल पे वो मनाए जा रहे हैं। उसमें सारे सीनियर ऑफिसर्स, मेरे से लेके एडिशनल एसपी, एसडी क्लोज, एवरीबडी इज अटेंडिंग दिस प्रोग्राम्स। दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी सन 2017 महाराष्ट्र पुलिस दलातर्फे राइजिंग डे साजरा होता है। राइजिंग डे मागची एक बाब अशी आहे की तत्कालीन पंतप्रधान माननीय जवाहरलाल नेहरू यांनी मुंबई येथे महाराष्ट्र पुलिस दलास, महाराष्ट्र पुलिस दलाचा जो निळ्या रंगाचा आपण ध्वज बघतो तो ध्वज हस्तांतरित केलेला आहे महाराष्ट्र पुलिस दलात। त्यामुळे दरवर्षी जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात महाराष्ट्र पुलिस दल हे राइजिंग डे म्हणून साजरा केला जातो। राइजिंग डेच्या अनुषंगाने जे विविध उपक्रम प्रत्येक पोलीस स्टेशनला विविध कार्यालयातून राबविले जातात, त्यामागची संकल्पनाच अशी आहे की पोलीस दलातर्फे जे दैनंदिन कामकाज चालतं त्याबाबतीत सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात जे कुतूहल असतं त्याबाबतीत त्यांना कामकाजाची एक माहिती करून देणं, तसेच हे कामकाज करत असताना जे वेगवेगळे इक्विपमेंट्स आपल्याकडे आहेत, जसं वायरलेस आहे किंवा इतर जे काही बाबी आहेत, त्याबाबतीत सर्वसामान्य जनता, विशेषतः तरुण युवक, शालेय विद्यार्थी, महाविद्यालयीन विद्यार्थी यांना त्याबाबतीत अवगत करून देणं, त्याबाबतीत त्यांना ओळख करून देणं हा आहे। आणि या माध्यमातून एक सोशल किंवा ज्याला आपण सामाजिक सलोखा निर्माण होण्यासाठी समाजातील विविध घटकांना शी समन्वय साधणं हा हेतू यामागचा एक आहे। या माध्यमातून सर्व माझे तरुण युवक मित्र, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, इतर तरुण युवक वर्ग यांना एक या माध्यमातून एक मी आवाहन करू इच्छितो की त्यांनी विशेषतः जेव्हा आपण टू व्हीलर रायडिंग करतो, गाडी चालवतो, त्यावेळेस आपल्या वेगावर निश्चितच मर्यादा ठेवाव्यात, आपण स्वतः सेफ राहावं, रस्त्याने इतर रोडचा जो वापर करणारी वाहनं आहेत त्यांनासुद्धा आपण सेफ ठेवावं, सुरक्षित ठेवावं, अनावृतपणे जे नियम आहेत विशेषतः चालत्या गाडीवर ड्रायव्हिंग करत असताना मोबाईलवर बोलणं किंवा सिग्नलवर थांबताना इतर थांबत नाहीत म्हणून आपणसुद्धा झेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करून गाडी पुढं नेऊन उभं करणं, कृपया ह्या गोष्टी टाळाव्यात, आपणही स्वतः सुरक्षित राहावं, इतरांनाही सुरक्षित ठेवावं, हे या वेळी मी आपला सर्वांना आवाहन करू इच्छितो। तसेच नवीन वर्षाच्या आपणा सर्वांना शुभेच्छा देतो, धन्यवाद।